बंधु लोग सुबह से पटाखे फोड़ रहे हो, दोपहर हो गई है, लोगों को जरा चैन की नींद सोने तो दो। लगता है तुमने कम पटाखे लाए हैं, इसीलिए नहीं जला रहे हो। अरे नहीं नहीं, हम भी बहुत सारे पटाखे लाए हैं, दिखाएं। हाँ देखिए देखिए, गंगाधर कौन से पटाखे लाया है। ये देखिए, ये अनार, ये फूटते हैं जब, इसमें किरण रूपी अनार निकलते। और जो देखिए, ये इसे कहते हैं जमीन चकड़ी। जमीन पर रखते हैं ना तो ये गोल गोल घूमते, गोल गोल घूमते, घूमते 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 घूमते। नहीं अच्छा लगा। देखिए ये देखिए ये, अबे निकल, ये फूल जड़ियां जब जलती है ना तो ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल सितारे बिखर रहे हों। क्या गंगाधर, इसे भी कोई पटाखे कहता है? ढीले फुसफुसे बे आवाज पटाखे तो इन्हें कहते हैं। ये देखो ये बम, ये डबल बम, एकदम धमाल। किस धमाल की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई हम तो दिवाली मनाने आए हैं, आप लोग लगता है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। गंगाधर अब ये धमाका सुनो। अरे नहीं नहीं, धमाका नहीं, कान का पर्दा बचेगा। मुबारक गंगाधर भाई, मुबारक मुबारक, पर मुबारक बाद बम के धमाके के बीच तो मत दिया करो, हमारा दिल अभी तक जोरों से धड़क रहा है। गंगाधर ये कैसे कपड़े पहन कर आए हो? दिवाली के दिन भला कोई ऐसे कपड़े पहन कर आता है? तो फिर कैसे कपड़े पहन कर आता है? ऐसे नए नए चमकीले, नरम नरम रेशमी, शानदार दिखने वाले महंगे कपड़े। हाँ। समझे गंगाधर? हाँ। भाई हम तो समझ गए, पर लगता है आप लोगों को समझाना पड़ेगा। गंगाधर फिर से सोचने लगे। इन्हें छोड़ ना उसको, मेरे पास देख और कितने बम हैं, और मेरे पास बड़ी लड़ी। हाँ। मेरे पास भी बहुत सारे पटाखे, आओ दिखाता हूँ दिखाता हूँ। देखो देखो ये अनार है, ये फुर्र करता है, और ये देखो देखो ये जमीन चकड़ी है, ये गोल गोल घूमती है, और ये फूल जड़ियां भी हैं। हाँ, और इसमें भी लंबी लंबी फूल जड़ियां हैं। गंगाधर तुम्हारे लिए ये अच्छा है डरपोक कहीं के। इसमें डरपोक का क्या मतलब? मैं तो पटाखे हाथ में भी जलाता हूँ और बम भी हाथ में जलाकर फेंक देता हूँ। अरे गंगाधर मैं तो रॉकेट हाथ में जलाकर उड़ा देता हूँ, तुम कर सकते हो ऐसा? अरे नहीं भाई नहीं, हम दिवाली मनाने आए हैं, हम कोई सर्कस में पार्ट लेने थोड़ी आए हैं। हाँ, अंगूर जो खट्टे हैं। हाँ। अंगूर खट्टे? अरे अरे क्या कर रहे हो, अरे इतने बड़े बड़े, अरे इतना शोर शराबा बंद करो, अरे बंद करो, अरे कान के लिए अच्छा नहीं होता ये, अरे इतना शोर शराबा अच्छा नहीं है, अरे बंद करो, अरे हम जाते हैं, हम जाते हैं। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। शक्तिमान दिवाली मुबारक हो। दिवाली आप लोगों को भी मुबारक हो। गंगाधर से मजाक करके आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है, परंतु याद रखो ऐसा मजाक घातक और जानलेवा भी हो सकता है। इस तरह का मजाक किसी से नहीं करना चाहिए। तुम लोग जानते हो दिवाली में बम पटाखों से घायल होने वाले और जलने वालों की संख्या सबसे अधिक होती है, और ये अक्सर उन्हीं के साथ होता है जो दिवाली के इन पटाखों को मनोरंजन का साधन नहीं सर्कस का सामान समझते हैं। तो फिर पटाखे कैसे जलाएं शक्तिमान? दोस्तों कोई भी पटाखा जैसे कि ये अनार है, इसे जलाते वक्त पहले ये तय कर लो कि इससे दूर खड़े होने की जगह तुम्हारे पास है या नहीं, और जलाने के बाद कम से कम 10-15 फीट दूर जाकर इसे देखो, और हो सके तो माचिस के बजाय अगरबत्ती या फुलझड़ी का इस्तेमाल करो, और किसी भी पटाखे को जलाते समय उसे सीधा होकर मत देखो, उसे साइड से देखो, क्योंकि धमाकेदार पटाखे से जो रोशनी निकलती है उससे हमारी आंखें भी खराब हो सकती हैं। और रॉकेट, लो ये रॉकेट, ये रॉकेट बहुत सावधानी से जलाने की चीज है, इसे कहीं भी किसी भी तरह से जलाने की कोशिश मत करो,
इसे हमेशा किसी बॉटल में रखकर और वो भी इसे टेढ़ा नहीं सीधा रखकर इसकी दिशा देख लो कि ये आसपास के किसी के घर में तो नहीं घुस जाएगा। इसलिए हो सके तो रॉकेट को खुले मैदान में चलाओ ताकि वो किसी के घर में ना जाए। तुम लोग सिर्फ हाथों में फुलझड़ी जला सकते हो और वो भी आंखों से दूर और घर के बाहर। बाहर मैं तो पटाखे भी घर के अंदर जलाता हूँ। वैज्ञानिक महोदय, पटाखे और ऐसे खेल जिसमें आग का इस्तेमाल होता है घर के अंदर कभी नहीं खेलने चाहिए। और दिवाली की रात को कोशिश करके खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर से जलने वाले पटाखे उड़कर कभी कभी खिड़की के रास्ते अंदर आ सकते हैं। इसलिए हमेशा खिड़की बंद रखनी चाहिए। और ये फुलझड़ी, इसका आनंद पूरी तरह लेने के बाद जब ये फुलझड़ी धीरे 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 कम हो जाए और पूरी तरह से बुझ जाए तभी इसे फेंकना चाहिए। और इसे जहां तहां कहीं नहीं फेंक देना चाहिए बल्कि इसे किसी एकांत और कोनेदार जगह में अच्छी तरह से देखकर फेंकना चाहिए, नहीं तो आने जाने वाले लोगों के पैरों के तलवे जल सकते हैं। अब पता चला ना कि दिवाली के दिन तेज और धमाकेदार पटाखे नहीं जलाने चाहिए। हल्के फुलके और कम आवाज वाले लेकिन न्यारी सी रोशनी करने वाले पटाखे जलाने चाहिए। तेज और धमाकेदार पटाखे तो कभी नहीं जलाने चाहिए। वो क्यों शक्तिमान? क्योंकि एक तो उनका धमाका बूढ़े लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए और पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इतना तेज धमाका उनके कानों के पर्दों पर गंभीर असर पैदा कर सकता है, वो बहरे भी हो सकते हैं। और जो दिल के मरीज होते हैं वो तो अक्सर इतने तेजदार धमाकों को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और कभी कभी तो उनकी मौत भी हो सकती है। अच्छा, शक्तिमान इतना नुकसान होता है? हाँ, और दिवाली के इतने दमदार तेजदार धमाकेदार पटाखों से वातावरण में इतना प्रदूषण फैलता है कि तुम इमेजिन करो कि दिवाली के एक रात में इतना प्रदूषण वातावरण में एकत्रित हो जाता है कि साधारण परिस्थितियों में 15 दिनों में होना चाहिए। हवा, पानी और वातावरण में इतना प्रदूषण फैल जाता है कि मनुष्य जाति के अलावा वन्य प्राणियों को भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। बाप रे, शक्तिमान पटाखे इतने खतरनाक होते हैं? हाँ दोस्तों, और पटाखे जितने बड़े और धमाकेदार होंगे उतने ही महंगे भी होंगे। क्या फायदा एक ही रात में 2,000 से 25,000 रुपए खर्च कर दिए जाए, वो भी सिर्फ हानिकारक शोर सुनने के लिए। इससे अच्छा तो इन पैसों को उन गरीब बच्चों को दे दिए जाएं जो इन खुशियों से वंचित रह जाते हैं। इससे ज्यादा लोग हमारी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। या फिर उन पैसों से मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे जाएं। मैंने तो वैसे भी महंगे महंगे कपड़े खरीदे हैं खास दिवाली के लिए, रेशमी नरम नरम। कपड़े जितने ही रेशमी और शानदार और मुलायम होंगे उतना ही पटाखों से उनकी आग पकड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तुम लोगों ने कहीं न कहीं दिवाली की रात में किसी न किसी को आग से जलते हुए सुना होगा। इसमें शानदार रेशमी लेकिन ज्वलनशील कपड़ों का भी योगदान रहता है। तो फिर हमें क्या पहनना चाहिए शक्तिमान? पटाखों से खेलने वाले लोग, खास तौर पर बच्चों के लिए एक खास हिदायत, सादे और सूती कपड़े ही पहने। ऐसे कपड़े ना पहने जो बहुत जल्द आग पकड़ लेते हैं। और अगर अच्छे महंगे रेशमी और मुलायम कपड़े ही पहनने हैं तो आग या पटाखों के इर्द गिर्द कभी न जाए। इस बात का ध्यान रहे कि अच्छे और शानदार कपड़े दिखाने के लिए होते हैं, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए होते हैं, खुद को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होते। ठीक है शक्तिमान, अब हम सब ऐसे ही करेंगे, पर आज का मंत्र तो बता दो। हाँ। आज मैं तुम लोगों को मंत्र नहीं सुनूं। क्यों? मैं आज तुम लोगों को एक संदेश सुनूं। संदेश? अरे हमारे मोहल्ले में ये हीरो कहाँ से आ गया?
अरे हीरो नंबर वन नहीं है, हम हैं हम, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री असली घी वाले। हाँ, आपके कहने पर देखो हमने ये मुलायम मुलायम रेशमी वस्त्र भी खरीद डाले, और देखो ये काला चश्मा भी खरीद डाला, देखो ये फीता भी नहीं निकला अब तक। आओ आओ पटाखे जलाते हैं। लेकिन गंगाधर, शक्तिमान ने हमें बताया है कि रेशमी कपड़े जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें सादे और सूती कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा? हाँ। हम तो ये वस्त्र खरीद चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, कपड़ों को संभाल कर ये बड़ा वाला बम चलाते हैं। अरे नहीं गंगाधर, शक्तिमान ने हमें कहा है कि बम के धमाके से बूढ़ों और बच्चों के कान के पर्दे पर असर होता है। हाँ। और दिल के मरीजों के लिए भी ये घातक है। हाँ। ऐसा? और बिना वजह हजारों रुपयों की बर्बादी। ऐसा है तो फिर हम बड़ा वाला बम नहीं जलाते, हम ये छोटा मोटा जो ये पटाखा है ना, इसे हाथ में रख कर जला कर दिखाते हैं। आप भी गंगाधर को डरपोक कहना छोड़ देंगे। ऐसे नहीं चलाओ, इससे तुम जख्मी हो सकते हो, जल भी सकते हो। हाँ गंगाधर, और पता है पटाखों को घर के बाहर के मैदान में जलाने चाहिए, और जलाने के बाद काफी दूरी पर खड़ा होना चाहिए। हम जब बाहर जाकर नए नए वस्त्र खरीद रहे थे तो लगता है शक्तिमान भैया ने आकर आप लोगों के दिमाग का परिवर्तन कर दिया है। फिर तो वो आप लोगों को शक्तिमान का मंत्र भी बता कर गए होंगे। नहीं, आज शक्तिमान ने हमें संदेश दिया है। संदेश? हाँ, दिवाली संदेश, सुनो। जगमग जगमग दीप जलाओ, आई है आज दिवाली, खाओ पियो मौज मनाओ, रोशन कर दो ये रात दिवाली की, पर मत भूलो दिवाली है त्योहार उजाले का, रोशनी का, अंधकार से लड़ने वाले प्रकाश का। और प्रकाश में न तो कोई आवाज होती है, न धमाका होता है, न ही कोई शोर शराबा। फिर क्यों जलाते हो ये बम, ये रॉकेट, ये धमाकेदार पटाखे? छोड़ दो इन्हें, दुश्मनों से लड़ने वाले हमारे जवानों के लिए, युद्ध की सीमाओं के लिए। रिमेंबर, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड नॉट साउंड। दिवाली त्योहार है उज्जवल दिखने वाले प्रकाश का, न कि बहरा बना देने वाली आवाज का। इसीलिए कहता हूं, जगमग जगमग दीप जलाओ, आई है आज दिवाली, खाओ पियो मौज मनाओ, रोशन कर दो ये रात दिवाली की।